ब्लैक फंगस के मामले बिहार में लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत की खबर ये है कि अस्पताल के ओपीडी में जो मरीज एडमिट हैं उनकी संख्या में कमी आई है। लेकिन देखा जाए तो अस्पतालों में जो ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं उनकी जो संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा होने हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो अस्पतालों में जो ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट किए जा रहे हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर ने लोगों को जिस तरह से परेशान किया, उसके बाद अब एक बार फिर से ब्लैक फंगस ने तबाही मचा रखी है, जिसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि जिले के हर अस्पतालों में वो तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके। लेकिन कल ही हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज ब्लैक फंगस के कारण तड़प तड़प कर मर गया। कहा गया कि हर जिले में व्यवस्थाएं हैं ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लड़ने की, लेकिन सरकार के दावों की पोल ये तमाम तस्वीरों ने खोल रखी है। 26 मई से 2 जून के बीच ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या की तुलना से यह बात साफ तौर पर समझी जा सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 26 मई को पीएमसीएच में 2, आईजीएमएस में 78 और एम्स में 52 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती थे। उस समय भर्ती कुल मरीजों की संख्या 122 थी। वहीं एम्स ओपीडी में उस दिन 62, आईजीएमएस में 30 और पीएमसीएच में 6 मरीज पहुंचे थे। इस हफ्ते मंगलवार को एम्स ओपीडी में 25, आईजीएमएस में 22 और पीएमसीएच में 12 संदिग्ध संक्रमित आए थे। उनमें 7 एम्स में, 5 पीएमसीएच में और 4 आईजीएमएस में भर्ती हुए। मंगलवार को इन तीनों अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 231 थी। इनमें आईजीएमएस में 110, एम्स में 97 और पीएमसीएच में 24 थी। पटना में गुरुवार को 17 नए ब्लैक फंगस के मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इनमें से 7 आईजीएमएस में, 7 एम्स में और 3 पीएमसीएच में भर्ती हुए। आईजीएमएस में 2 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। आईजीएमएस का 100 बेड और एम्स का 75 बेड का फंगस वार्ड अब मरीजों से पूरी तरह से फुल है। एम्स में ईएनटी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर क्रांति भावना ने बताया कि ब्लैक फंगस के लगभग 23 मरीज कोरोना से भी संक्रमित है। पीएमसीएच में गुरुवार को 6 गंभीर मरीजों को एम्स और आईजीएमएस के लिए रेफर किया गया। तो साफ तौर पे जिस तरह से अब ब्लैक फंगस के आंकड़े सामने आने लगे हैं ये अब चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े आ रहे थे इस कोरोना की दूसरी लहर में, जिसके बाद बिहार सरकार की ओर से पूरे बिहार को लॉक किया गया और लॉकडाउन के बाद बिहार की जो हालात है वो काफ़ी सुधरी, जिसके बाद लगातार लॉकडाउन्स को एक्सटेंड किया गया और स्थितियां अब ये है बिहार में कि कोरोना के आंकड़े और कोरोना के जो रफ्तार थे उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अब कोरोना से जब हम जंग जीतने की ओर अग्रसर हैं तो अब ब्लैक फंगस जैसा बीमारी एक बार फिर से बिहार में कहर बरपा रहा है। अब जब नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि बिहार में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है, तो ये देखना होगा कि क्या हम ब्लैक फंगस जैसी बीमारी पर कितना ज़्यादा काबू पा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो केस है ब्लैक फंगस को लेके उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।